दोस्तों, अक्सर आपने कच्चा लहसुन यानी कि रॉ गार्लिक खाने से संबंधित YouTube पे, इंटरनेट पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर आपको बताया जाता है कि सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाने से यह फ़ायदे होते हैं। लेकिन जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। लेकिन सभी लोग आपको यूट्यूब पर फ़ायदे बताते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में अष्टांग हृदयम की जानकारी बताने वाला हूँ, जो कि वाग्भट ऋषि ने हमारी आयुर्वेद की किताब में आज से हजारों साल पहले वर्णन की थी। दोस्तों, अष्टांग हृदय में साफ साफ मेंशन किया गया है, वहां पे वर्णन किया गया है, लहसुन को तामसिक भोजन की कैटेगरी में गिना जाता है। प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हींग हो गई, इन तीन चीजों को तामसिक भोजन की कैटेगरी में यानी कि नेगेटिव प्राणिक फूड की कैटेगरी में गिना जाता है। सात्विक भोजन वो होते हैं जिनको पॉजिटिव प्राणिक फूड की कैटेगरी में गिना जाता है, जो कि हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती लाते हैं, लथार्जी नहीं लाते हैं। नेगेटिव प्राणिक फूड क्या लाते हैं? हमारे शरीर में सुस्ती लाते हैं, ऐसे आलसपन लाते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन लहसुन सेवन करने के, कच्चा लहसुन सेवन करने के बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन औषधीय गुण होते हैं। कब होते हैं? जब उसको औषधि की तरह से उपयोग किया जाए। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि आपको किस किस तरह से ये फायदे पहुंचाता है, किस किस बीमारी में ये फायदे पहुंचाता है, कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, प्लस किस किस को ये नुकसान पहुंचाता है। देखिए, फायदे तो हैं लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ही भयंकर हैं। आपको YouTube पे ये कोई बातें नहीं बताएगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, 4 से 5 मिनट की, लेकिन वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोज को लाइक करते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, अष्टांग हृदय के अनुसार कच्चे लहसुन का सेवन औषधि की तरह करना चाहिए, बीमारी के अनुसार करना चाहिए। अगर हम सबसे पहले रोग के बारे में बात करें तो जिनको गठिया रोग की यानी कि जिनको अर्थराइटिस की, जोड़ों में दर्द होने की, घुटनों में दर्द होने की, कमर में दर्द होने की, पूरे शरीर में जिनकी पीड़ा रहती है, कमजोरी रहती है, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त औषधि होती है। इस्तेमाल, इसका प्रयोग किस तरह से करना, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं, आपको शुद्ध गाय का दूध ले लेना है। देखिए, आयुर्वेद में दूध रात को पीने के लिए कहते हैं, लेकिन इस समस्या में, जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द में, आपको सुबह इसका सेवन करना है। एक गिलास दूध ले लें, उसके बीच में आपको 4 से 5 लहसुन की कली यानी कि 5 to 6 आपको लहसुन की क्लोव्स डाल लेनी है। उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है, दूध को उबालने के बाद आपको छान लेना है दूध को, उसका सुबह खाली पेट सेवन करना है। इससे क्या होगा, जोड़ों का दर्द ठीक होता है, घुटनों का दर्द ठीक होता है, आपके शरीर में अगर पीड़ा रहती है वो भी ठीक होने में काफी ज्यादा मदद करता है, कमजोरी को भी ये दूर करता है। लेकिन हफ्ते में मैक्सिमम 2 बार सेवन करें, खासकर गर्मियों में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। चलिए बात करते हैं, जो लोग लहसुन का डेली यानी कि रोजाना सेवन करते हैं, उससे उनकी बॉडी में क्या भयंकर दुष्परिणाम होता है, इतना खतरनाक नुकसान होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अष्टांग हृदयम किताब, जो कि हमारी आयुर्वेद की है, वाग्भट ऋषि ने लिखी है, उसको जरूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ा करें, काफी आसानी से सर्च करके आपको फ्री में मिल जाती है, गूगल पे जरूर पढ़ें। जो लोग लहसुन का डेली सेवन करते हैं, उससे क्या होता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है। देखिए, कई हद तक अच्छी बात होती है कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यह साइंटिफिक फैक्ट है कि आपके ब्रेन में जितनी कम ब्लड सर्कुलेशन होगी उतना आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा। आप बोलेंगे कैसी बेवकूफ हो जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं, आप WHO की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, वहां पे लिखा गया है ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका प्रभाव नीचे की तरह होता है। तो कुदरत ने, परमात्मा ने हमें इस तरह से बनाया कि हमारे दिमाग में सबसे कम ब्लड सर्कुलेशन पहुंचती है, हमारे सर में। तो लहसुन क्या करता है, उसको इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करने से क्या होता है, हमारी जो अवेयरनेस होती है, हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, आपने देखा होगा ऋषि मुनि जो लोग ध्यान करते हैं वो प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, जो लोग जैन धर्म के हैं वो भी प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। कारण क्या था उसका, ये कोई भी कारण नहीं था कि ये गंदा होता है, बदबूदार होता है, हमको नहीं खाना चाहिए। यही कारण था कि कॉन्शियसनेस उससे रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, प्राणायाम के फायदे उठाना चाहते हैं, वो अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं डेली तो नहीं होंगे। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो हमारी बॉडी में बहुत फायदे भी पहुंचाता है। आजकल के पुरुष जिनको यौन संबंधित कोई भी समस्या रहती है, कोई भी समस्या, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा वीडियो में, लेकिन किसी भी प्रकार की समस्या को अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसका सेवन करते हैं तो आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, काफी ज्यादा। लेकिन नुकसान के बारे में बात करें, वही है कि आपकी अवेयरनेस को कम करता है, आपकी बॉडी में नेगेटिविटी को बढ़ाता है, आपको गुस्सा जल्दी आएगा, गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपकी पॉजिटिविटी आपके मन में बहुत कम रहेगी, बस यही इसका नुकसान होता है। और सेल्युलर लेवल पे आपका कोई भी, अगर आप वैज्ञानिक तौर पर देखेंगे तो बॉडी में इतना नुकसान नहीं करता, ये फायदा ही करता है।
अगले फायदे के बारे में अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल, जिनको समस्या रहती है कोलेस्ट्रॉल हाई होने की, बीपी हाई होने की, डायबिटीज की समस्या होने के लिए, उनके लिए कच्चा लहसुन का सेवन करना सुबह खाली पेट लेकिन हफ्ते में एक से दो बार बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। बालों के झड़ने की जिनको समस्या रहती है वो लहसुन का पेस्ट बना के अपने बालों पे लगा सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बताया वीडियो में, वो तो इसकी नेगेटिविटी थी लेकिन ये पॉजिटिविटी है। जिनके बालों के झड़ने की समस्या है, जिनके बालों की वॉल्यूम कम है, पतले बाल जिनके रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है लहसुन का पेस्ट बालों में लगा लेना, आधे घंटे ऐसे छोड़ के उसके बाद में आप धो सकते हैं। तो ये उसके कुछ फायदे थे। आई होप दोस्तों आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज अपने करीबी लोगों से, अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से जरूर वीडियो को मेरा शेयर कर दीजिए, काफी मेरा मोटिवेशन अप हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।